हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे संसद यानी संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम शुरू करते हैं। संसद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। संसद के बारे में इसमें कहा गया है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर बनते हैं। तो हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बोलेंगे क्या है, संसद है। तो संसद के यह तीनों अभिन्न अंग हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, इसके बाद हम आपको राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं लोकसभा को। तो हम लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और अस्थाई सदन बोलते हैं। अस्थाई सदन लोकसभा को हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष के बाद वह विघटित होकर के नई सरकार बनाती है लोकसभा में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थाई सदन, यानी वह परमानेंट नहीं रहती है, इसीलिए बोलते हैं इसको अस्थाई सदन। अब देखो, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए और इसका कार्यकाल होता है आपको 5 वर्ष। अब देखते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और उसको अस्थाई सदन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कहा किया जाएगा कि राज्यसभा को हम अस्थाई सदन क्यों कहते हैं। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, इसीलिए हम उसको अस्थाई सदन कहते हैं। आगे देखेंगे, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल आपको 6 वर्ष का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, उसे अस्थाई सदन कहते हैं, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जबकि राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और उसी को हम अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि वह कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष होनी चाहिए और उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। क्लियर। इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए, लोकसभा में वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य 545 हैं। आपसे कहा जाए कि लोकसभा का अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, तो यह पहले था 552, लेकिन फिलहाल में यह अभी है 550। अभी है 550, पहले था 552, क्योंकि जो 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उसको अभी 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है। तो अब कितने हो गए, 550। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते थे, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उसको अभी हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो कब किया गया, तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, इसे आप याद रखेंगे। तो अभी सदस्य है 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, जबकि है कितना, 545। तो 550 में 530 जो है वो राज्य से चुने जाते हैं, जबकि 20 सदस्य को केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम राज्यसभा में। राज्यसभा में देखते हैं, यहाँ देखिए, राज्यसभा में अभी वर्तमान में कुल सदस्य 245 है। 245 सदस्य है, इसमें से 233 जो है वो राज्यों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य को मनोनीत किया जाते हैं। 12 सदस्य को मनोनीत किया जाते हैं। और आपसे कहा जाए कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य यानी अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो यह 250 हो सकते हैं अधिकतम सदस्य, जिसमें 238 सदस्य जो है वह आपको निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। तो राष्ट्रपति आपको 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, किसमें, राज्यसभा में। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक होता है कोरम, जिसे हम गणपूर्ति कहते हैं।
तो लोकसभा के, आपको राज्यसभा के या विधानसभा के किसी के लिए भी गणपूर्ति 1/10 भाग होता है, यानी जितना सदस्य है तो उस सदस्य के 1/10 भाग कहो या 10% को। तो गणपूर्ति कहते हैं आपको कि जैसे संसद चलने के लिए आपको कम से कम कितने सदस्य को उपस्थित होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 5 भी आ जाए तो हो जाएगा। तो इसके लिए एक रूल है, उसको बोलते हैं कोरम गणपूर्ति। तो वह होना चाहिए आपको 1/10 भाग कुल सदस्य के 1/10 भाग, या उसी को हम बोलते हैं 10%। तो राज्यसभा और लोकसभा के लिए सेम ही होता है 1/10 भाग। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए जो लोकसभा है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है, जबकि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। आगे देखते हैं, तो लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का स्थापना कब हुआ है, तो लोकसभा का स्थापना 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा विघटित होती है, विघटन होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो चुनाव होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। हम लोग उसमें जिसका एज आपको 18 प्लस हो चुका रहता है, वह क्या करते हैं, सीधा आपको वोट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। तो लोकसभा हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा का स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि राज्यसभा का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 80 में। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन। अब देखिए राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका एक रूल है, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। तो इसमें हम लोग चुनाव, हम लोग इसमें वोटिंग नहीं करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। आगे हम देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है। आगे देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य, देखिए इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं, यानी राज्यसभा का सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पर क्या होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। आगे है देखते हैं, अब देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष हो या उसी को बोलते हैं हम सभापति, तो राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही आपको राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उसी को अध्यक्ष बोलते हैं या सभापति बोलते हैं। तो अभी आपसे पूछा जाए कि बताओ राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, तो जो अभी उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी वह है। देखते हैं, तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि यही प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसीलिए वह भी क्या है, राज्यसभा के प्रथम सभापति भी है। वर्तमान में कौन है राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू जी। वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि उपसभापति कौन है राज्यसभा के, तो यह है हरिवंश नारायण सिंह। तो प्रथम राज्यसभा के अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू जी, और वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो हरि नारायण सिंह। अब देखते हैं हम लोकसभा में, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो यह है जी वी मालवांकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी वी मालवांकर। और आपसे पूछा जाए लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो यह है मीरा कुमार। आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यह है ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। तो यह लोकसभा और राज्यसभा से महत्वपूर्ण
टॉपिक था, महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसे हम देखे हैं, और इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि आज तक एग्जाम में किस तरह से प्रश्न लोकसभा और राज्यसभा से पूछे गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।